हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 18 मार्च 2017। सो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज के टॉपिक्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज सुखोई SU-30MKI, नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑफ लिस्बन, थर्ड इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, देन नेक्स्ट इज आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, स्पेसएक्स, WHO's call for action, and last is DALY, that is DALY, ऐसे कुछ कह सकते हो आप इसको। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सुखोई SU-30MKI इज अ ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपेरियरिटी फाइटर डेवलप्ड बाय। सो सुखोई को किसने डेवलप किया है इसके बारे में ये क्वेश्चन है। सो ऑप्शन दिए गए हैं ए इज इजराइल, बी इज फ्रांस, सी इज रशिया एंड डी इज USA। ऑलराइट, तो इसके बारे में ऑल इंडिया रेडियो और PIB दोनों में ही न्यूज़ थी, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन फॉर्म किया। एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जानते होंगे। सुखोई जो है वो रशिया द्वारा बनाया गया है। ऑलराइट, सी आंसर है इसका, ये न्यूज़ थी जैसे कि हमने कहा। तो ये क्या है देख लेते हैं। सुखोई SU-30MKI इज अ ट्विन जेट, दो जेट, ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपेरियरिटी फाइटर डेवलप्ड बाय रशिया सुखोई, रशिया की जो सुखोई कंपनी है उसने डेवलप किया है, एंड बिल्ट अंडर द लाइसेंस बाय इंडियाज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर इंडियन एयरफोर्स। ऑल राइट, सो फर्स्ट जो सुखोई था ना वो एक्सेप्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स में इन 2002 में फर्स्ट एक्सेप्ट कर दिया गया था, और उसके साथ जो पहला इंडिजीनियसली असेंबल्ड, असेंबल किसके द्वारा, HAL द्वारा। ऑल राइट, इंडिजीनियसली असेंबल्ड सुखोई जो था वो एयरफोर्स के सर्विस में लिया गया इन 2004। ओके, सो सुखोई के बारे में एक कुछ क्वेश्चन हो गया, एक जनरल था, आज ही न्यूज़ में था इस वजह से हमने ऐड कर लिया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। ट्रीटी ऑफ लिस्बन इज रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू। सो लिस्बन ट्रीटी किससे रिलेट करती है, RCEP, ASEAN, TPP और EU, तो इन चारों के बीच में किससे रिलेट करती है ट्रीटी ऑफ लिस्बन। सो आंसर है इसका डी, EU से रिलेट करती है। सो कैसे, तो ये न्यूज़ थी, डी आंसर हो गया हमारा। न्यूज़ ये थी, क्वीन साइंस ब्रेक्सिट ट्रिगर बिल इनटू लॉ। ये आपने जानते होंगे कि जो रिसेंटली द यूरोपियन यूनियन नोटिफिकेशन ऑफ विड्रॉल बिल, ये जो था ये ब्रिटेन के MPs ने वहाँ पे लॉर्ड ऑफ पार्लियामेंट, लॉर्ड्स इन पार्लियामेंट ने वहाँ पे साइन कर दिया गया था, मतलब पास कर दिया गया था। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि ब्रिटेन में जो है ना वो मोनार्की सिस्टम है, हमारी आप जैसे रिपब्लिक सिस्टम नहीं है। सो हमारी यहाँ पे प्रेसिडेंट साइन करते, फाइनल साइन जो होती है वो प्रेसिडेंट की होती, लेकिन यहाँ पे EU में क्वीन की फाइनल साइन होती है। ऑलराइट, तो अब इन्होंने साइन दे दी है, तो अब यूरोप जो है, सॉरी ब्रिटेन जो है वो EU से बाहर पड़ सकता है। कैसे, तो इससे चेंज कर दिया गया है आर्टिकल 50 जो है लिस्बन ट्रीटी, इसमें कहा गया है कि क्या अगर किसी को बाहर पड़ना है तो क्या प्रावधान किए गए। तो ओके, तो ये जो है किससे रिलेट करता है, विच रिलेट्स लीविंग द 28 मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉक, मतलब EU से अगर बाहर निकलना हो तो आर्टिकल 50 में प्रावधान किया गया है लिस्बन ट्रीटी के। ओके, सो लिस्बन ट्रीटी क्या है, इसको इस रिफॉर्म ट्रीटी इस नाम से भी जाना जाता है। इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच अमेंड्स टू ट्रीटीज, तो फॉर विच फॉर्म्स द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर यूरोपियन यूनियन, मतलब ये लिस्बन ट्रीटी जो है वो यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। कौन से दो ट्रीटीज को इसमें रिफॉर्म कर दिया गया, तो मैस्ट्रिश ट्रीटी जो 1993 की थी, और दूसरी ट्रीटी थी रोम ट्रीटी 1957 की। इन दोनों ट्रीटीज को अमेंड करके लिस्बन ट्रीटी बनाई गई थी, और जो है EU का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। ऑलराइट, ये ट्रीटी जो थी वो साइन कर दी गई थी 2007 में और फोर्स में आ गई थी 2009 में। ऑलराइट, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री इज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, ओके, एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट इज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO डेवलप्स एंड मेंटेन रोड नेटवर्क इन इंडियाज बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। ओके, फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज और इंडिया के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे रोड डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं BRO। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करंटली द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स ऑपरेशंस इन नेबरिंग कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। मतलब अगर जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट अगर करेक्ट है, तो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो ये चार नेबरिंग कंट्रीज है ऐसा कहा गया है। ऑलराइट,
क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर थ्री इज इन ऑर्डर टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड ये कोऑर्डिनेशन के लिए सेटअप किया है विद द डिफेंस मिनिस्टर एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड डिफेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन है ऐसा कहा गया है ऑलराइट सो कौन से करेक्ट है वन ओनली वन एंड टू टू एंड थ्री एंड ऑल सो जी इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है दैट इज ये डेवलप करता है और मेंटेन करता है रोड्स कहाँ पे इंडिया के बॉर्डर एरियाज में और साथ ही नेबरिंग फ्रेंडली नेबर कंट्रीज में सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट जो है ना ये भी करेक्ट है कि ये चारों देश जो है अफगानिस्तान भूटान म्यांमार एंड श्रीलंका मैप्स एम मैप्स एम ए बी एस मैप्स में ये जो है वो रोड को मेंटेन भी करता है और यहाँ पे भी मतलब हेल्प करता है इन चारों देशों में ये नेबरिंग कंट्रीज फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज है हमारे ऑलराइट लेकिन ये जो थर्ड स्टेटमेंट है जो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड है ना वो कोऑर्डिनेशन के लिए गठित तो कर दिया गया है लेकिन इसके जो चेयरमैन है वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं है इसके चेयरमैन जो है वो है प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इसके डेप्यूटी चेयरमैन है ऑलराइट सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमें करेक्ट पूछा है तो हमारा आंसर हो जाता है बी वन एंड टू ओके ये एक पीआईबी में छोटा सा एक आर्टिकल आया था तो हमने क्वेश्चन फॉर्म कर लिया ये जैसे कि हमने कहा ये चार देशों को सहायता करता है और उसके साथ साथ कहाँ पे अभी ये ऑपरेशन का चालू है तो 21 स्टेट हमारे देश के 21 राज्य उसके साथ एक यूनियन टेरिटरी कौन सी अंडमान एंड निकोबार और फ्रेंडली हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो दैट इज अफगानिस्तान भूटान म्यांमार एंड श्रीलंका ओके सो बीआरओ जो था वो 1960 में बनाया गया था और तब का उसका मैंडेट क्या था टू सिक्योर इंडियाज बॉर्डर्स एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन कंट्री मतलब तब सिर्फ इतना ही मैंडेट था इसका ऑलराइट रोड डेवलप करना है मेंटेन करना है बॉर्डर के एरिया में और नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर में तब ये फ्रेंडली नेबर का बात नहीं थी ऐसा तो लगता है ओके इन ऑर्डर टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन तो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया और इसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन है और डिफेंस मिनिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ये तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑलराइट इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 क्या आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट था उसके अंडर इसको बनाया गया था नेक्स्ट इज ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस ट्रिब्यूनल सो आर्म फोर्सेज के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो भी इस पर कवर कर दी गई है ऐसा कहा है सेकेंड स्टेटमेंट में सो कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा है ओनली वन ओनली टू बोथ और नन सो जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं ये जो फर्स्ट है ना वो बात करेक्ट है कि आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 में बनाया गया था और उसके वजह से ये आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल जो है वो गठित कर दिया गया है सो फर्स्ट इज करेक्ट लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो इसमें कवर नहीं की गई है ऑलराइट सो हमारा आंसर हो जाता है बी ओनली ये भी एक छोटा सा आर्टिकल आया था आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल के बारे में सो हमने ये क्वेश्चन फॉर्म कर लिया सो ये क्या है आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल तो ये मिलिट्री ट्रिब्यूनल है एज ऑब्वियस है इसके नाम से ही पता चलता है हमें इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 में ऑलराइट ये 2007 याद रखना है और ये क्यों गठित हुआ तो 1999 में लॉ कमीशन जो है हमारा उसने एक रिपोर्ट जारी किया था और उसमें कहा गया था कि डिसिप्लिनरी और सर्विस रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनका क्विक रिजोल्यूशन हो आर्मी का प्रॉब्लम्स का आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो प्रॉब्लम है उनका क्विक रिजोल्यूशन हो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल गठित करना चाहिए जो ये मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस दोनों को कवर करेगा ओके लॉ कमीशन ने ऐसा कहा था 1999 में लेकिन जब ये बनाया गया एक्ट 2007 का तब इसमें सिर्फ आर्म फोर्सेस को ही इंक्लूड कर लिया गया मतलब मिलिट्री को ही इंक्लूड किया पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंक्लूड नहीं किया यही देखिए लीविंग पैरामिलिट्री फोर्सेस इवन असम राइफल्स एंड कोस्ट गार्ड आउटसाइड ट्रिब्यूनल्स परव्यू ओके सो ये इसका लोगो है देख लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर फाइव इज थ्री डे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इज एट राजगीर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय किसने ऑर्गेनाइज की है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस यूनेस्को नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो इन तीनों में से किसने या फिर किसने ऑप्शन दिए गए हैं ओनली थ्री वन एंड टू नन ऑफ द अबव एंड ऑल मतलब तीनों ने मिलके
सो इसका जो आंसर है, मतलब मुझे तो हमें तो लगता नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हमें आपको करंट अफेयर से वाकिफ कराना है, यही इस क्वेश्चन का मकसद है। सो इसका जो आंसर है ना वो है, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, इन तीनों में से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज ए आंसर है हमारा। ये न्यूज़ थी और ये देख सकते हैं आप, 3 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का साथ कौन दे रहा है, नव नालंदा महाविहारा, ये यूनिवर्सिटी है, डीम यूनिवर्सिटी, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और इसको इनॉग्रेट किया है दलाई लामा और डॉक्टर महेश शर्मा, जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। ओके, सो इन्होंने इसको बिहार राजगीर में इनॉग्रेट किया है। और ये एक अच्छा वाला अच्छा कोट था, दलाई लामा ने जब इसमें स्पीच दिया वहाँ पे, तो ये कोट था, आप देखिए इसको, ऑल रिलीजियस ट्रेडिशंस शुड सिट इन हारमोनी टू नो द ट्रूथ विच इज ऑलवेज अनचेंज। ट्रूथ जो है वो अनचेंज, मतलब बदलता नहीं है, और इस वजह से सभी जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है उनको एक साथ हारमोनी में आना चाहिए। ओके, एंड दैट विल हेल्प द कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड इन अटेनिंग पीस थ्रू लव एंड कंपैशन। मतलब अगर सभी रिलीजन्स एक साथ आ जाते हैं तो देश के साथ साथ पूरी दुनिया में एक प्यार से शांति प्रस्थापित की जा सकती है। ऑलराइट, ये आप चाहो तो किसी के कंक्लूजन में ये लिख सकते हो। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। ओके, सो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के बाद हमने ये बुद्धिस्ट काउंसिल का क्वेश्चन फॉर्म कर लिया। ये एक यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। सो बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट और बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट, सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कहा गया है राजगृह में हेल्ड की गई थी, सेकेंड पाटलिपुत्र, थर्ड जो है वो है वैशाली में, एंड फोर्थ इज इन कुंदलवन। ओके, सो कौन सी करेक्टली मैच है ये हमें बताना है। सो ए इज 1 एंड 2, बी इज 1, 2 एंड 3, सी इज 1 एंड 4, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ, ये फर्स्ट जो है ना वो बात करेक्ट है, मतलब ये ऑब्वियस है, यहाँ पे सभी में फर्स्ट है तो फर्स्ट करेक्ट ही है। फर्स्ट जो है वो राजगृह में है, और फोर्थ जो है ना वो कुंदलवन में है, लेकिन जो 2 एंड 3 है वो स्वैप कर दी गई है। सेकेंड जो थी वो वैशाली में हुई थी, सेकेंड वैशाली, एंड थर्ड जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑल राइट, सो हमारा आंसर हो जाता है सी, 1 एंड 4 ओनली। ऑल राइट, ये एक छोटा सा न्यूमोनिक बनाया, लेकिन उससे पहले हम ये हमारा एक्सप्लेनेशन देख लेते। फर्स्ट जो काउंसिल थी वो अजात शत्रु के पैट्रोनेज में हुई थी, और मॉन्क महाकश्यपा जो थे ये उसके अध्यक्ष थे, और ये राजगृह में हुई थी जो अब ये राजगीर नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, सो यही यहाँ पे अभी हमारा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सेकेंड जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस थी ना वो वैशाली में हेल्ड की गई थी, शतकंबरी इनके प्रेसिडेंट, ये इसके प्रेसिडेंट थे, और यहाँ पे बुद्धिज्म जो है वो दो सेक्स में डिवाइड हो गया था, महासंघिका और स्थविरवदा, इन दोनों सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। बाद में थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसको ऑर्गेनाइज किया था किंग अशोका ने, अशोका के बारे में आप जानते होंगे, और इसके जो हेड थे वो थे मोगलीपुत्ता तिस्सा। ओके, ये हेड थे, और यहाँ पे अभिधाम पीटिका ये कंपाइल किए गए थे, थर्ड जो थी बुद्धिस्ट काउंसिल वहाँ पे अभिधाम पीटिका कंपाइल किया गया था। और जो लास्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फोर्थ जो थी वो कंडक्ट की गई थी कुंदलवन कश्मीर में, राजा कनिष्क के रेन में, और यहाँ पे जो बुद्धिज्म था वो दो सेक्ट्स में डिवाइड हुआ, महायान एंड हीनयान, फोर्थ में डिवाइड हुआ। ऑलराइट, ये याद रखना है, महायान और हीनयान। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इनको याद रखने के लिए ये छोटा सा निमोनिक है, आपने वो एड देखी होगी नई सोच, तो ऐसे ही एक लड़के ने उस नई सोच से प्रभावित होकर अपना नाम चेंज कर लिया, राज वैशाली पाटिल, ये उसकी माँ का नाम है, राज वैशाली पाटिल लिव्स इन कुंदलवन। ऑलराइट, सो राज से क्या आता है, राजगृह, वैशाली इज वैशाली, पाटिल इज पाटलिपुत्र, लिव्स इन कुंदलवन, तो कुंदलवन क्या है, कुंदलवन कश्मीर में। ऑलराइट, तो इस वजह से इस सीक्वेंस में आप फर्स्ट टू फोर्थ जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल है वो याद रख सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा, अगर पूछा जाए तो आप याद कर लेना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट में कुछ भी कहा जाए तो वो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में लायबल नहीं है। ओके, सॉरी, शैल बी लायबल ऐसा कहा गया है। ओके, नेक्स्ट इज
House of Parliament can try anyone or any case directly as a court of justice if required. मतलब first के opposite क्या आ गया? Next is no member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of any vote given by him or her in any committee of the Parliament. मतलब first में कहा गया था अगर कुछ कहा गया कि member ने कुछ कहा तो वो liable नहीं है और यहाँ कहा गया है कि अगर कुछ vote किया किसी particular बात पे तो लायबल नहीं है, मतलब उन्हें कोर्ट में कोई ले नहीं सकता ऐसे. सो हमें कौन से करेक्ट है ये बताना है. वन ओनली, वन टू एंड थ्री, वन एंड थ्री एंड नन ऑफ दी अबाउ. तो जी इसका आंसर है दैट इज फर्स्ट करेक्ट है कि अगर आप कुछ आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और अगर आप पार्लियामेंट में कुछ बोलते हो तो आपको कोर्ट में नहीं लिया जा कोर्ट में नहीं घसीट सकते कोई भी. सो फर्स्ट इज करेक्ट. सेकेंड इनकरेक्ट है, ये तो अपोजिट था तो सेकेंड इनकरेक्ट है. और थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, आपके किसी भी वोट पे कोई भी आपको कोर्ट में नहीं ले जा सकता. ओके पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के. सो हमारा आंसर हो जाता है सी, वन एंड थ्री. ओके इसका तो एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन है तो कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट स्पेसएक्स. स्पेसएक्स के बारे में हमें बताना है. स्पेसएक्स इज अ चाइनीज एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग चाइना. जो स्पेसएक्स है वो बीजिंग चाइना में है. ओके ऐसा कहा गया है. नेक्स्ट इज It has developed the Falcon 1 and Falcon 9 launch vehicles, both designed to be reusable. मतलब इन्होंने ऐसे दो launch vehicles बनाए हैं जिनका नाम है Falcon 1 और Falcon 9 और जो reuse कर सकते हैं, ऐसा ये statement है. Next is the first private company to send spacecraft Dragon, Dragon नाम का spacecraft है, to International Space Station ISS in 2012. ये SpaceX जो है वो ऐसी पहली private company बन गई है जिसने स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2012 में भेजा था, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है. सो हमें करेक्ट कौन सा है ये बताना है. सो वन ओनली, वन एंड टू, टू एंड थ्री एंड नन ऑफ दी अबाउ. तो जी ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है. स्पेसएक्स पहले तो प्राइवेट कंपनी है और ये ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसने किसी भी स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है. ओके तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि इसमें फाल्कन 1 और फाल्कन 9 ऐसे दो लॉन्च व्हीकल्स डेवलप किए हैं और जो रीयूजेबल है. ऑलराइट मतलब हमारे अब कैसे है कि GSLV PSLV वो हमारे सैटेलाइट्स को ऊपर लेके जाते तो है लेकिन वहाँ से वो आपने देखा होगा वीडियो अलग अलग होते हैं और फिर उसको यूज नहीं कर सकते हम. मतलब एक GSLV आपने देखा होगा C-37 C-38 ऐसे हम अभी जो 104 जो सैटेलाइट्स भेजे थे उनका उनके लिए यूज किया था C-37. सो उसके पहले थे C-36 C-35. मतलब ये रीयूज नहीं होते तो हमें नए से बनाने पड़ते हैं लेकिन यहाँ पे जो है वो रीयूजेबल है ये फाल्कन 1 और फाल्कन 9. ऑलराइट सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है. ये चाइनीज कंपनी नहीं है, बीजिंग में नहीं है, ये अमेरिकन कंपनी है. ओके अमेरिका की कंपनी है स्पेसएक्स. सो हमारा आंसर जो हो जाता है वो है सी, टू एंड थ्री ओनली. ओके यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूज़ थी स्पेसएक्स के जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसने लॉन्च किया है ECOSTAR 23 सैटेलाइट. ओके ECOSTAR 23 सैटेलाइट यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया है तो ये न्यूज़ थी. ये स्पेसएक्स की कंपनी है. तो ये क्या है सबसे पहले देख लेते. स्पेसएक्स इज स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन बेटर नोन एज स्पेसएक्स. इट इज़ अ अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी हेडक्वार्टर इन कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया आप जानते हो अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट, वहाँ पे ये हेडक्वार्टर है इसका स्पेसएक्स का. ओके ये 2002 में स्टार्ट की गई थी बाय टेस्ला सीईओ. टेस्ला भी एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी है और उनके सीईओ ने ये स्टार्ट की थी स्पेसएक्स और फॉर्मर पेपाल एंटरप्रेनर इलॉन मस्क. जी आप पेमेंट करते हो जब ऑनलाइन तो जो पेपाल मतलब जो एक ऑप्शन आता है तो ये भी इन्हीं के द्वारा इलॉन मस्क द्वारा बनाया गया था. मतलब देखिए क्या क्या बनाया इन्होंने. पेपाल बनाया था जिसको बाद में इन्होंने बेच दिया. टेस्ला एक कंपनी है वो भी है और स्पेसएक्स भी है. और रिसेंटली हमने एक क्वेश्चन कवर किया था हाइपरलूप, वो भी ये इलॉन मस्क ही बना रहे हैं. ओके तो ये देखिए एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट मतलब कोई गवर्नमेंट फंडेड नहीं, हमारी जैसे इसरो गवर्नमेंट फंडेड है जैसे ये इसरो सॉरी इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स. ओके विद इनका गोल क्या था ये टेस्ट स्पेसएक्स बना के नहीं के वक्त क्रिएटिंग टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एनेबल कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स. इन्होंने ये अपना लक्ष्य रखा है कि इनको मार्स पे कॉलोनी बनानी है, मतलब मार्स पे हमारी वसाहत जो है वो स्थापित करनी है. तो और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो कम करना है, मतलब जो रीयूजेबल व्हीकल होगा इससे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम करना है उनको. ओके
तो हम भी मतलब इंडिया भी इस रीयूजेबल डिजाइन में काम कर रहा है, लेकिन इलॉन मस्क जो है उन्होंने ये टेक्निक अभी अपना मतलब अचीव भी कर ली है। ओके, तो ये जो स्पेसएक्स है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे इसरो से बहुत ही आगे है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में। ओके, सो इट हैज़ डेवलप्ड फाल्कन 1 एंड फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल्स बोथ डिजाइन टू रीयूजेबल एंड ड्रैगन 9 स्पेसक्राफ्ट। ओके, ये भी एक इन्होंने बनाया है जिसने रिसेंटली वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कार्गो के साथ लेके गए थे। द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू सेंड एयरक्राफ्ट ड्रैगन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2012। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट WHO's कॉल फॉर एक्शन एंड विच ऑफ दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट कौन सा है? कॉल ऑफ एक्शन, WTO's के कॉल ऑफ एक्शन के बारे में ये हमें बताना है। सो जी, ए जो ऑप्शन है वो है, इट इज प्रोग्राम टू एलिवेट पॉवर्टी, मतलब कॉल फॉर एक्शन इज फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। नेक्स्ट इज सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बी ऑप्शन दिया गया है, अ प्रोग्राम फॉर एंडिंग TB, प्लेजिंग टू स्केल अप एफर्ट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स टू अचीव द ग्लोबल टारगेट टू एंड द डिसीज। मतलब बी में कहा गया है कि ये टीबी जो है उसको खत्म करने के लिए प्लान है। सी क्या है? इट इज अ प्रोग्राम टू एंड द डिसीज ऑफ लेप्रेसी, लेप्रेसी जो है उसको खत्म करने के लिए कॉल ऑफ एक्शन प्रोग्राम WHO ने लॉन्च किया है। एंड लास्ट इज इट इज अ प्रोग्राम टू डिक्रीज द IMR इन्फंट मोर्टेलिटी रेट इन अफ्रीकन कंट्रीज। सो इसका आंसर क्या है वो हम देख लेते WHO कॉल फॉर एक्शन। जी, इसका आंसर है बी, दैट इज ये प्रोग्राम है TB खत्म करने के लिए। जी, यहाँ पे ये न्यूज है, आप देख सकते हो। जी, ये न्यूज थी इंडिया साइंस WHO कॉल फॉर एक्शन प्लेजिंग टू एंड TB इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन बाय 2030। मतलब हमें TB को खत्म करना है WHO के कॉल फॉर एक्शन प्रोग्राम के अंडर, कब तक? 2030 तक। ऑलराइट, सो ये हम एक्सप्लेनेशन देख लेते। हेल्थ मिनिस्टर्स फ्रॉम कंट्रीज इन WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन विच बियर हाफ द ग्लोबल TB बर्डन। मतलब ये सिर्फ इतना एक रीजन जो है साउथ ईस्ट एशिया का, इसमें दुनिया के आधे TB अफेक्टेड पीपल रहते हैं। ऑलराइट, एंड WHO टूडे साइन अ कॉल फॉर एक्शन फॉर एंडिंग TB प्लेजिंग टू स्केल अप एफर्ट्स। मतलब इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि अब हमें इसके जो एफर्ट्स है वो बढ़ाने हैं, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट एडिक्वेसी फंडेड मतलब इम्प्लीमेंट भी करने हैं इनोवेटिव मल्टी सेक्टोरियल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स। इनोवेटिव साथ साथ मल्टी सेक्टोरियल, बहुआयामी और कॉम्प्रिहेंसिव मेजर जो है वो, टू अचीव द ग्लोबल टारगेट टू एंड द डिसीज बाय 2030। ये याद रखना है कब खत्म करना है। ऑलराइट, 2030 ऐसे याद रखिए, SDG भी 2030 में खत्म होने वाले हैं, और तभी हम टीबी को भी खत्म करने वाले हैं, ऐसे याद रखिए। ओके, WHO ने कहा। और ये 6 कौन से हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन के कंट्रीज, तो वो हम देख लेते। फर्स्ट इज बांग्लादेश, देन कोरिया DPR कोरिया, देन नेक्स्ट इज इंडिया, नेक्स्ट इज इंडोनेशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। ओके, तो इन देशों में सबसे ज्यादा मतलब आधे जो टीबी के पेशेंट है वो इन देशों में है, आर अमंग दी 30 हाई टीबी बर्डन नेशंस। ओके, सो देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। रिसेंटली DALY दिल्ली वाज इन न्यूज, व्हाट इज दिल्ली? चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट इसके बारे में चूज करने हैं। सो फर्स्ट इज इट इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डिसीज बर्डन एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ ईयर्स लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ। मतलब ये एक मेजर है जिसमें क्या मेजर करता है ओवरऑल डिसीज बर्डन, किस वजह से जो नंबर ऑफ ईयर्स हमारे वेस्ट हो गए हैं, किस इल हेल्थ और डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ की वजह से। ओके, तो ऐसा ये इंडेक्स है। नेक्स्ट इज इट वॉज डेवलप्ड इन 1990s एज अ वे ऑफ कंपेयरिंग ओवरऑल हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओवरऑल हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ओके, सो हमें ऑप्शंस दिए गए, 1 ओनली करेक्ट, 2 ओनली करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड नन करेक्ट। ओके, करेक्ट पूछा है। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज बोथ करेक्ट है, इसके सी आंसर है इसका। ओके, ये न्यूज थी, ग्रेडिंग फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल इन सेंटर्स न्यू हेल्थ पॉलिसी। जैसे कि आप जानते हो, हमने कल भी आखिरी क्वेश्चन जो लिया था जिसमें कवर किया था जो हमारी न्यू हेल्थ पॉलिसी आई है, उसी के अकॉर्डिंग ये आज की न्यूज है। तो इसमें देख लेते क्या है। इन द फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली का फुल फॉर्म क्या है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स दिल्ली।
इंडेक्स है ये, अ वाइडली यूज्ड मेजर इन यूरोपियन एंड अमेरिकन कंटेक्स्ट इज मेंशन, मतलब इसमें हमारी जो न्यू हेल्थ पॉलिसी है उसमें ये मेंशन किया गया है दिल्ली, ओके okay? इसमें क्या करते हैं, द मिनिस्ट्री विल ट्रैक दिल्ली इंडेक्स टू डिसाइड विच डिसीज शुड गेट मैक्सिमम अटेंशन, मतलब हमारा जो इंटेंशन जो है ना न्यू हेल्थ पॉलिसी में, वो आपने देखा होगा कि वेलनेस की तरफ है, मतलब वेलनेस मतलब क्या कि हमारे जो लोग हैं उनको सिर्फ सिकनेस से कवर करना नहीं है, तो वेलनेस मतलब उनके सभी, जैसा हमारा आर्टिकल 21 है ना उसका स्कोप बड़ा है, तो वेलनेस का भी स्कोप बड़ा है, मतलब सिर्फ अच्छा हेल्थ नहीं होनी चाहिए तो बाकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, मतलब हेल्थ रिलेटेड इशू जो है वो भी सॉल्व होनी चाहिए, ऐसा है। तो अगर वो अचीव करना है तो हमें ये भी फोकस करना होगा कि कौन से डिसीज जो है वो ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करते हैं, तो इस वजह से ये दिल्ली इंडेक्स जो है वो हम इसमें हमने इंक्लूड किया है। सो इट इज़ अ मेजर, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, इट इज़ अ मेजर टू ओवरऑल डिसीज बर्डन एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ ईयर्स लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ। इट वॉज डेवलप्ड, जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट था, इट वॉज डेवलप्ड एज अ वे ऑफ कंपेयरिंग ओवरऑल हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। The index will guide the ministry to make health decision for each disease. Okay, जो मैंने पहले explanation दिया कि क्यों ये हमने अपनाया है, all right. So, ये थे आज के questions. Thank you so much. हम ऐसे ही questions के साथ कल फिर लौटेंगे. और जी क्या, keep studying and have a happy, wonderful day ahead. Thank you.